दोस्तों, जानवी कपूर आज 21 साल की हो गई हैं। उनके लिए आज का दिन बेहद ही खास रहने वाला था, लेकिन श्रीदेवी के जाने के बाद वो बहुत अपसेट है। लेकिन उनकी फैमिली ने किया है उनके लिए एक स्पेशल सरप्राइज प्लान, जो उनकी खोई हुई मुस्कान फिर से लौटा देगा। तो क्या है ये स्पेशल सरप्राइज, आइए देखते हैं। कल की होने वाली सुपरस्टार जानवी कपूर, जो जल्द ही करण जौहर की फिल्म धड़क के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं, आज 21 साल की हो गई हैं। लेकिन उनके लिए खुशी का माहौल नहीं बल्कि गम का है, क्योंकि आज उनके दिल के सबसे करीब रहने वाली उनकी माँ श्रीदेवी उनके साथ नहीं है। जी हाँ, जन्मदिन के मौके पर जानवी बेहद उदास हैं और अपसेट भी हैं। उन्हें फैमिली और फैंस की तरफ से जन्मदिन की बधाइयां तो मिल रही हैं, लेकिन उनकी माँ, उनकी सबसे अच्छी दोस्त को वो खो चुकी हैं। खबरों की माने तो अपने बेटी के 21वें जन्मदिन को खास बनाने के लिए श्रीदेवी ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। वो जानवी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान कर रही थी। खबरों में कहा जा रहा है कि श्रीदेवी दुबई में जानवी के बर्थडे के लिए बहुत सारी शॉपिंग करना चाहती थी, और यही वजह है कि मोहित मारवा की शादी के बाद भी श्रीदेवी दुबई में रुकी, ताकि जानवी के लिए वो खरीदारी कर सके। पर भले ही श्रीदेवी आज जानवी के साथ ना हो, लेकिन उनके पापा बोनी कपूर श्रीदेवी की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। इसलिए सोर्सेज की माने तो पूरा परिवार जानवी के लिए एक सरप्राइज डिनर प्लान कर रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जानवी एक अनाथ आश्रम में जन्मदिन मनाएंगी। बता दें कि अनाथ आश्रम में जन्मदिन सेलिब्रेट करने की रीत को इस परिवार में श्रीदेवी ने ही शुरू की थी, और अब जानवी इसे जारी रखना चाहती है। इस तरह से ये जानवी की माँ को श्रद्धांजलि भी है। वैसे हाल ही में जानवी ने अपनी मॉम श्रीदेवी के लिए एक इमोशनल लेटर पोस्ट किया था, और उनकी माँ को हमेशा इसी तरह से प्यार करते रहने की गुजारिश की थी। वहीं जानवी के 21वें जन्मदिन पर उनकी चचेरी बहन और एक्टर सोनम कपूर ने भी फोटो शेयर करके उनके लिए मैसेज लिखा है। सोनम कपूर ने लिखा कि दुनिया की सबसे बहादुर लड़की आज महिला हो गई है, हैप्पी बर्थडे जानू। साथ ही फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा श्रीदेवी के बेहद करीबी थे, उन्होंने भी जानवी को बर्थडे विश किया है। मनीष ने श्रीदेवी और जानवी के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मेरी प्यारी जानवी, हैप्पी बर्थडे, भगवान तुम्हें खुशियां, प्यार, शांति और सब कुछ दे। वही जानवी कपूर के भाई अर्जुन कपूर ने भी पहली बार सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके अपना दर्द बयां किया है। अर्जुन कपूर ने अपने पोस्ट में लिखा, आप बहादुर हैं, क्योंकि जिंदगी आपको हार मानने के कई मौके देती है, लेकिन फिर भी आप इनसे लड़ते हैं और उबरते हैं, खुद को संभालते हैं और आगे बढ़ते हैं। वैसे अर्जुन के स्कोर से अंदाजा लगाया जा रहा है कि श्रीदेवी के निधन से वो भी सदमे में है, और इस वक्त अपने पिता और अपनी सौतेली बहनों के साथ खड़े हैं। वैसे बता दें कि बॉलीवुड में इस बात को लेकर चर्चा थी कि अर्जुन कपूर के संबंध कभी भी अपनी सौतेली माँ यानी कि श्रीदेवी से अच्छे नहीं रहे। अर्जुन ने अपने इंटरव्यू में एक बार यहाँ तक कहा था कि श्रीदेवी उनके पापा की पत्नी है और वो उनको उसी निगाह से देखते हैं। यही नहीं, अर्जुन कपूर की अपनी सौतेली बहन यानी कि जानवी और खुशी से भी कभी नहीं बनी। खबरें थी कि इन सौतेले भाई बहनों में आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं है। हालांकि परिवार की इस मुश्किल घड़ी में अर्जुन कपूर ने वो सारे फर्ज निभाए जो एक बेटे के होते हैं। उम्मीद करते हैं कपूर फैमिली के बीच जो भी दूरियां बरकरार है वो धीरे धीरे अब खत्म हो जाए और पूरा परिवार एक साथ हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। Hi, मैं हूँ शिल्पा शिरोडकर और प्लीज कीप वॉचिंग IBC 24। Hi, I'm Faisal Khan and you're watching IBC 24. Keep watching. Hi guys, this is Randeep Singh and you're watching IBC 24. Hi, this is Ali Fazal and you're watching IBC 24. Hello, this is Sandeep Soparkar and you're watching IBC 24. Hi, my name is Jay Soni and you're watching IBC 24.